मान लीजिए आप हमेशा ब्लैक कलर की शर्ट पहनना पसंद करते हैं, आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, ब्लैक कलर आपका फेवरेट है। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की ड्रेस और ब्लैक कलर के शूज खरीदते हैं। और आज आपका जन्मदिन है और मैं आपको आपके बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए एक शर्ट ढूंढूंगा ब्लैक कलर की। मैं आपको गिफ्ट करूंगा एक ब्लैक कलर की शर्ट। वाई? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है और ब्लैक कलर की शर्ट जब मैं आपको दूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगे। और मैं ही क्यों, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, वो भी यही कोशिश करेंगे कि आपको ब्लैक कलर की ड्रेस दी जाए, ब्लैक कलर के शूज या कोई ऐसा गिफ्ट दिया जाए जिसमें ब्लैक कलर हो, क्योंकि ब्लैक कलर को देख के आपको अच्छा लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। उसी तरह जब आप अपनी लाइफ में दुखी होते हैं, जब आप अपनी लाइफ में दुख को पसंद करते हैं, परेशानियों को पसंद करते हैं, नेगेटिविटी को पसंद करते हैं, तो आप इस यूनिवर्स में एक मैसेज भेजते हैं, एक मैसेज भेजते हैं कि आपको दुखी रहना पसंद है, परेशान रहना पसंद है, नेगेटिव रहना पसंद है, और ये यूनिवर्स आपको वही चीज लौटा देता है। फिर आपके पास दुख और परेशानियां कई तरीकों से, कई रूप में आती हैं और आप कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब क्यों चल रही है, मैं इतना परेशान क्यों हूं। वो इसलिए है क्योंकि आपने यूनिवर्स को एक मैसेज दिया कि आपको दुखी रहना बहुत पसंद है। तो धीरे धीरे आप जो मैसेज आप यूनिवर्स को देंगे वो चीज आपको कई गुना करके वापस मिलेगी। अगर आप खुश रहना पसंद करते हैं, अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना पसंद है, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आई एम श्योर कि आप यूनिवर्स में एक मैसेज भेज रहे हैं कि मुझे खुश रहना पसंद है, मुझे लाइफ को सेलिब्रेट करना पसंद है, मुझे लाइफ को एंजॉय करना पसंद है। और आप देखेंगे यूनिवर्स आपको वही चीज लौटाएगा और आपकी खुशियां 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने एक मैसेज यूनिवर्स को भेजा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको ब्लैक शर्ट पसंद है, वो मैसेज सबके पास पहुंचा और आपको ब्लैक कलर से रिलेटेड सब कुछ गिफ्ट मिल गए। उसी तरह अगर आप सुख का मैसेज, एंजॉयमेंट का और पॉजिटिविटी का मैसेज अगर इस यूनिवर्स में भेजेंगे तो वही चीज आपके पास लौट के आएगी। अगर आप एक नेगेटिविटी का मैसेज भेजेंगे तो वही चीजें आपके पास लौट के आएंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, बी पॉजिटिव और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़िए। एक बार क्या होता है, एक छोटा सा किस्सा आपको सुना दो। एक कुम्हार होता है, वो कुम्हार मिट्टी के बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता है और एक दिन वो एक ऐसी चीज बनाता है जो बहुत खूबसूरत बन जाती है। वो एक चिलम तैयार करता है और चिलम को तैयार करने में वो टाइम भी लगाता है। वो चिलम तैयार हो जाती है, चिलम बहुत खूबसूरत बनती है, लेकिन उसके बाद पता नहीं उस कुम्हार के दिमाग में, उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के दिमाग में क्या बात आती है, वो उस चिलम को तोड़ देता है। और जब वो उस चिलम को तोड़ देता है तो मिट्टी में से आवाज आती है कि तुमने इस चिलम को क्यों तोड़ दिया, ये तो बहुत खूबसूरत बनी थी। वो कुम्हार मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं ये चिलम बनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं ये चिलम बनाऊंगा तो ये चिलम खुद भी जलेगी और ये दूसरों को भी जलाएगी। तो मैंने ये सोचा क्यों ना इस मिट्टी से घड़ा तैयार किया जाए, एक सुराही तैयार किया जाए जो खुद भी शीतल हो और दुनिया को भी शीतलता दे। बात आपको समझ आ गई होगी, जो कुछ आपके अंदर होता है ना वही चीज आपको यूनिवर्स लौटाता है। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। अब वो शब्द तो सुने जाते हैं जो हम मुंह से बोलते हैं, मगर उन शब्दों का क्या जो हम अंदर अंदर चलते रहते हैं। हमारे अंदर अंदर जो बात चलती रहती है, जो इमेज हम अपनी अपने अंदर क्रिएट करते हैं, उसी से ही हमारी पूरी लाइफ बनती है, कलेक्टिवली हमारी लाइफ बनती है। जो बात आप खुद से करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप खुद के लिए करते हैं, जिन्हें कोई नहीं सुन रहा लेकिन ये यूनिवर्स सुन रहा है, जिस तरीके से आप खुद से बात करते हैं, जिस तरीके की इमेज आप अपनी क्रिएट करते हैं, वही मैसेज आप इस यूनिवर्स को भेजते हैं और वही चीज यूनिवर्स आपको लौटाता है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, आपके अलावा कोई नहीं जानता, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपके अंदर दुख है, प्रॉब्लम है और आप हमेशा खुद को लेट डाउन करते हैं, आपने पूरा सेल्फ इमेज क्रिएट की है, तो यूनिवर्स आपको वही चीज लौटाएगा जो आपने अपने अंदर सोचा है। क्योंकि आप यूनिवर्स में एक मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप नेगेटिविटी का एक मैसेज दे रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। अगर आप, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, एक मशीन है, अगर उस मशीन में आप मौसमी डालेंगे तो आपको मौसमी का जूस मिलेगा, संतरे का जूस नहीं मिलेगा। अगर आप कोई और फ्रूट डालेंगे तो उसी का जूस आपको मिलेगा। जो फ्रूट आप डालेंगे वो मशीन आपको वही जूस देगी। उसी तरह
जिस तरह के इनपुट आप देंगे उसी तरह का आउटपुट आपको मिलेगा। ये इनपुट आपने दिया नेगेटिविटी का, ये इनपुट आपने दिया दुखों का, परेशानियों का, तो यूनिवर्स ने आपको वही चीज लौटाई। सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, लाइफ के प्रति एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच आप रखिए। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। एक बार एक कंपनी में इंटरव्यू चल रहा होता है, सुबह से शाम हो जाती है, इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, मगर सिलेक्ट कोई भी नहीं होता। लास्ट में एक राहुल नाम का लड़का इंटरव्यू के लिए रेडी होकर जाता है। जब वो रिसेप्शन पे होता है तो रिसेप्शनिस्ट उसके ऊपर हंसने लगती है, वो कहती है यहाँ पर बहुत एजुकेटेड बहुत क्वालिफाइड लोग आए, वो तो सिलेक्ट हुए नहीं, आप तो एक बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग लग रहे हो, आप इतने स्मार्ट नहीं हो, इतने हैंडसम नहीं हो, इतने गुड लुकिंग नहीं हो, ना आपके पास इतने डिग्रीज हैं, आपके तो सिलेक्ट होने का कोई चांस नहीं है, आप अपने घर लौट जाइए। वो कैंडिडेट मुस्कुराते हुए कहता है ओके मैडम एक ट्राई तो कर लेने दीजिए। ठीक है, इंटरव्यू शुरू होता है, वो उस शाम का आखिरी इंटरव्यू होता है, सुबह से शाम कोई कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होता। लास्ट में राहुल इंटरव्यू के लिए बैठता है, सुबह से शाम तक इंटरव्यूअर ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सबसे पूछा होता है कि अगर ये जॉब आपको नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, अगर ये जॉब आपको नहीं मिली तो क्या करेंगे। किसी किसी से ये भी क्वेश्चन पूछा होता है, आपको क्या लगता है क्या ये जॉब आपको मिलेगी। सिर्फ ये दो क्वेश्चंस होते हैं जो सुबह से शाम तक इंटरव्यूअर ने सभी इंटरव्यू से पूछा होता है। अब राहुल के सामने भी यही क्वेश्चन रखा जाता है, आपको क्या लगता है क्या ये जॉब आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन को सुन के राहुल मुस्कुराता है, अपना बैग खोलता है, अपने बैग में से बिस्किट का एक पैकेट निकालता है, उसको अनरैप करता है और इंटरव्यूअर के सामने कर देता है, टेक इट सर। वो इंटरव्यूअर बड़ा हैरान होता है, वो कहता है ये क्या है, वो कहता है ये आपके क्वेश्चन का जवाब है सर, थैंक यू सो मच, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ये मैं आपको मिठाई खिला रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास बिस्किट है तो मैं बिस्किट खिला रहा हूं, आपका मुंह मीठा करा रहा हूं, मुझे ये जॉब मिल चुकी है, थैंक यू वेरी मच सर, बाकी और डिटेल आप मुझे बता दीजिएगा कि सैलरी कितनी है, क्या स्केड्यूल है, ये जॉब मुझे मिल चुकी है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये बात सुनते ही इंटरव्यूअर उसे उसी टाइम जॉब के लिए अपॉइंट कर देता है। व्हाई? क्योंकि उसने अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई थी कि ना तो कहीं थी नहीं, क्वेश्चन मार्क तो कहीं था ही नहीं, उसने यूनिवर्स में एक ऐसा मैसेज भेजा कि मुझे तो जॉब मिल चुकी है और उसको जॉब मिल गई। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप खुश होना चाहते हैं, खुशियों का सीक्रेट यही है कि आप अपने अंदर जो बात कर रहे हैं, जो आप सेल्फ इमेज क्रिएट कर रहे हैं, जो भी मैसेज आप बाहर भेज रहे हैं, एक पॉजिटिवली खुद पे विश्वास करके उस मैसेज को बाहर भेजिए और देखिए आप कितना खुश रहेंगे, आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। इसी को ही कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप यूनिवर्स से ये सब चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपके अंदर से अपने साथ बात करने का तरीका पॉजिटिव है। अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं तो वही आप मैसेज बाहर भेजिए और देखिए आपकी लाइफ कमाल की हो जाएगी, और खुश रहने के लिए आपको बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे विश्वास कीजिए, अपने कर्मों को अच्छे से करते रहिए और देखिए आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइफ को एंजॉय करते रहें, अप्स एंड डाउन्स भी आए तो आप अपने अंदर की जो कॉन्वर्सेशन है, जो सेल्फ टॉक है, उसको पॉजिटिव रखें, अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करें, अपनी सेल्फ इमेज अच्छी बना के रखें, तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लाइफ में ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।